किडनी की सफाई करने का इससे आसान उपाय आपको कोई नहीं बताएगा। एक गिलास पीने से ही आपकी किडनी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आप 100 साल तक जिएंगे। भयंकर से भयंकर बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो लंबा जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। दोस्तों ये बात तो सभी को पता है कि किडनी हमारे शरीर का एक बेहद खास अंग है जो हमारे जीवन को चलाती है, हमारे शरीर को हमें जिंदा रखती है। अगर इसमें कोई भी परेशानी आ जाए तो किसी भी इंसान की असमय जीवन काल खत्म हो सकता है। इसलिए किडनी को साफ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोजाना किडनी इतना ज्यादा हमारे शरीर को साफ रखने के लिए मेहनत करती है, तो हम थोड़ा सा समय देकर अपनी किडनी को साफ क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल तरीका और सबसे कम समय में ये तरीका आप कर सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। दोस्तों जिस तरह हम अपने घर में पानी के फिल्टर की सफाई बराबर करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के फिल्टर यानी कि किडनी की सफाई भी बराबर करती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की गंदगी आसानी से बाहर जाती रहे। किडनी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, हमारे ब्लड को फिल्टर कर गंदगी साफ कर देता है। इसलिए हमारे किडनी को साफ करना बेहद जरूरी होता है ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। किडनी हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। ये अपशिष्ट जहरीले और अतिरिक्त तरल पदार्थों को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालती है। शरीर में खून को प्योरीफाई करने वाली किडनी की अगर कोई सफाई ना रखे तो उसके यूरिन में डिसऑर्डर समेत पेट दर्द, बुखार, जी मिचलाना और उल्टी जैसे गंभीर समस्याएं के साथ साथ है उनका जीवन भी खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो रोजाना लगभग 190 लीटर खून को प्रोसेस करने का काम करती है। इसके अलावा शरीर में मौजूद अतिरिक्त पानी, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करती है कि हमारा शरीर सुचारू ढंग से कार्य करता रहे। किडनी कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एसिड को भी शरीर से बाहर निकालती हैं, ताकि शरीर में पानी, नमक और खनिज का एक स्वस्थ संतुलन बना रहे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारे किडनी को साफ रखना बेहद जरूरी है। आप खुद समझ सकते हैं, जब हमारी किडनी हमारे शरीर के 190 लीटर खून को रोजाना फिल्टर करती है, तो क्या हम अपने किडनी को थोड़ा सा समय देकर फिल्टर नहीं कर सकते, उसकी सफाई नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे। और वीडियो के अंत में हमने सबसे खास बात बिल्कुल बताई है, जिसे जानकर आप समय रहते इससे बच सकते हैं और अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप इस स्टेप को फॉलो जरूर करें। कोई भी ना जानकारी छूटे इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, एक मुट्ठी भर धनिया के पत्ते को अच्छी तरह धो लेना है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 1 लीटर पानी में डाल लें। इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी मिला लें। धनिया के पत्ते, अजवाइन और पानी को एक साथ धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। इसे ठंडा कर लें। हर रोज खाली पेट एक गिलास लगातार सेवन करने से पेशाब के साथ सारी गंदगी बाहर आने लगती है। नंबर दो, जी हाँ दोस्तों, भारतीय रसोई की एक खास चीज है अजवाइन। खाने का स्वाद बढ़ाने से लेकर कई बीमारियों में इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन पाचक और पित्त वर्धक होती है। यह पेट से जुड़ी सभी बीमारियों में लाभकारी होती है। इसके रोज सेवन से किडनी स्वस्थ रहती है। नंबर तीन, जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा चम्मच ऑर्गेनिक शहद लें, एक छोटा चम्मच पिसी हुई हल्दी, छोटा चम्मच पिसा अदरक, 1 कप पानी, आधा कप नारियल का दूध। पानी को गर्म करके अदरक और हल्दी को 10 मिनट तक उबालें और 1 कप में दूध और शहद को मिलाकर चाय को डाल दें। चाय को रोज खाली पेट पीना काफी लाभदायक होता है। नंबर चार, करौंदे। जी हाँ दोस्तों, करौंदे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के साथ साथ अत्यधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। करौंदा विटामिन ई और विटामिन के का भी अच्छा स्रोत है। इसमें हमें इन विटामिन्स के अतिरिक्त आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक इत्यादि मिनरल भी प्राप्त होते हैं।
यह किडनी से यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। करौंदे के नियमित सेवन से किडनी स्वस्थ रहती है। नंबर 5, नींबू। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर नींबू बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को दूर करने में बेहद कारगर हैं। इसके लिए आपको बस रोजाना एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर पीना होगा। अगर किडनी की किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद भी ऐसा करें। अगर किसी की भी बीमारी से ठीक होने के लिए नहीं बल्कि हमेशा की तरह किडनी को हेल्दी और क्लीन रखना चाहते हैं तो रोजाना इसका सेवन जरूर करें। नंबर 6, जी हाँ दोस्तों, बाजार में किडनी साफ करने वाली चाय उपलब्ध है। इसका नियमित सेवन किडनी को ठीक करता है। जी हाँ दोस्तों, जो आसानी से किडनी को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक करता है, लेकिन नियमित ग्रीन टी का सेवन करने से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। दिन भर में 2 से 3 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। नंबर 7, शिमला मिर्च। जी हाँ दोस्तों, शिमला मिर्च में विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, लेकिन लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी के अलावा फॉलिक एसिड और विटामिन ए भी मौजूद होता है, साथ ही कुछ मात्रा में पोटेशियम भी। तो ये सारी चीजें किडनी को नेचुरल साफ रखने में मदद करती हैं। नंबर 8, सेब का सिरका। जी हाँ दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका का किडनी के खराब होने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रक्रिया को रोकने में प्रभावी माना जाता है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के स्तर को बढ़ाता है, ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित करता है और ब्लड प्रेशर की समस्या को भी खत्म करता है, जिससे किडनी के सेहत के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। सेब के सिरके में साइट्रिक एसिड होता है जो किडनी की पथरी को समाप्त करता है। नियमित रूप से सेब के सिरके का सेवन करने से किडनी से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। नंबर 9, जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर ज्यादातर चीजों का इस्तेमाल आप किडनी की सफाई के लिए कर सकते हैं और उन्हीं में से एक है अंगूर। हरे, काले और लाल अंगूर में से इसके लिए आप लाल अंगूर को चुनें। पोटेशियम, कैल्शियम, फोलेट और आयरन से भरपूर लाल अंगूर खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती। नंबर 10, तुलसी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को एक प्रभावी मूत्रवर्धक औषधि के रूप में जाना जाता है। यह किडनी में मौजूद किसी भी तरह की पथरी को हटाने के साथ साथ किडनी के कामकाज में सुधार करने में भी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही तुलसी खून में यूरिक एसिड के स्तर को भी कम करती है और किडनी को सेहतमंद बनाए रखती है। तुलसी में मौजूद अनिवार्य तेल और एसिटिक एसिड जैसे तत्व न सिर्फ किडनी की सफाई में मददगार हैं, बल्कि पथरी को तोड़कर आसानी से शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। साथ ही तुलसी पेन किलर के तौर पर भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए तरीकों को आप अपना कर अपनी किडनी को साफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें खास बात कि आप कभी भी इन सभी चीजों का उपयोग करें, जैसे कि हमने बताया धनिया पत्ता, तो आप हमेशा ऑर्गेनिक पौधों का या पत्तियों का यूज करें, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले सभी पदार्थ हमेशा खाद और रासायनिक तत्वों से मिलकर बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ऑर्गेनिक अपने घर पर ही खुद उगाकर का प्रयोग करें तो ज्यादा बेनिफिट्स होगा। वीडियो को लाइक करें और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में तुरंत बताएं।